गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो संकल्प दिवस है इंदिरा गांधी जी का, उसको जिन्हें ऐसा नहीं कर इंदिरा जी के बारे में कोई नहीं मना रहे, उनका संकल्प दिवस है इंदिरा जी का, वो मना रहे। सरकार का ये फैसला कि अब विद्यालयों में इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी, ये बिल्कुल ही हल्की सोच और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किया गया फैसला है। इंदिरा गांधी जिसने देश के लिए बलिदान दिया, जो जेल गई, स्वतंत्रता सेनानी रही, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उसकी जयंती से रोकना छोटी मानसिकता और ऊंची मानसिकता का सूचक है। मुझे उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री इस बात पर पुनर्विचार करेंगे और इस प्रकार के किए गए निर्णयों को निरस्त करेंगे। देखिए, अब हमारे लिए ये खुद चिंता का विषय है कि अगर हम इस तरह से जयंतियां मनाने लगे तो क्या हम सभी राष्ट्राध्यक्षों यानी पूर्व राष्ट्रपतियों की जयंतियां मनाएंगे, सभी प्रधानमंत्रियों की जयंतियां मनाएंगे, फिर कह देंगे उपराष्ट्रपतियों की जयंतियां क्यों नहीं। यह जो जयंतियां मनाना है, यह एक श्रद्धा का स्वरूप है। जिसको भी श्रीमती इंदिरा गांधी से लगाव हो, प्रेम हो, उनके अच्छे कर्तव्यों के प्रति जिनके मन में भावना हो, वो व्यक्तिगत रूप से जयंतियां मनाए, और जिनको इमरजेंसी के रूप में गुस्सा हो, जिनको वो तानाशाही का प्रतीक लगती हो, वो नहीं मनाए। तो इसलिए यह व्यक्तिगत भावना का सवाल है। और मैं आपको जानकर के आश्चर्य की बात बताता हूँ कि कांग्रेस के अंदर कभी भी जयंतियां मनाने का रिवाज नहीं रहा। मोहनलाल जी सुखाड़िया जो 16 बरस से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी राजस्थान में कभी जयंतियां नहीं मनाई गई। अशोक गहलोत जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो इन्होंने जयंतियां मनाने की शुरुआत की।